क्या हाल चाल है दोस्तों। लॉकडाउन तो आपको पता ही है, बढ़ता ही जा रहा है। तो तुम्हारे भाई ने सोचा कि इस लॉकडाउन में क्या नया ट्राई किया जाए। तो मैंने ट्राई किया वर्ल्ड फेमस पबजी। मैं देखो, तुम लोग जैसे तुम लोग सब देखते होंगे कैरी मिनट की वीडियोस, तो मैंने भी कैरीज लाइव पे खूब सारी वीडियोस देखी और कहीं ना कहीं ये गेम मेरे को भी अट्रैक्ट कर रहा था। तो तुम्हारे भाई ने सोचा बंदूकें पता है, खेलते कैसे पता है, तो क्यों ना सोलो मैच खेला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार पबजी की तो सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगती है कि ये गेम बहुत रियलिस्टिक लगता है, एकदम हर कैरेक्टर इसका रियल लगता है, डैमेज भी ऐसे अच्छा लगता है। मतलब कोई भी मैंने ऐसा गेम नहीं देखा जो 1.5 GB के अंदर इतना कुछ रियलिस्टिक फीलिंग देता हो। मैं खेला ही नहीं, देखूंगा कहाँ से। लेकिन यार मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा ये गेम, सारे मूवमेंट असली लगते हैं, आप गाड़ी के अंदर जा सकते हैं, ग्राफिक्स इसके बहुत अच्छे हैं और अगर आपके पास मोबाइल अच्छा है तो आपको ग्राफिक्स और भी बेहतर मिलेंगे। मैंने पबजी लाइट खेलने की सोची क्योंकि मेरे पास मोबाइल इतना सपोर्ट नहीं करता, सीधी सी बात। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले वेयर हाउस पे जाया जाए। फिर क्या था, चले गए भाई साहब वेयर हाउस, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि वेयर हाउस पे मेरे शिकारी पहले से ही इंतजार कर रहे थे। पहला किल, कई देरों से साले ने परेशान कर रखा था लेकिन तुम्हारे भाई ने ले लिया पहला किल। अब देखते जाओ। तीसरा किल। अब क्या देखोगे यार, हर गेम तुम देखते आए हो, अब बोर हो जाओगे, कब तक देखोगे, 17 मिनट का गेम है। तो इसको करते हैं फास्ट फॉरवर्ड और चलते हैं उस बेस्ट मोमेंट पे जहाँ पे होता है गेम एंड। Thank you.
अब ये है एंड मोमेंट, और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल, क्योंकि बच्चे हैं तीन लोग, तुम्हारे भाई का पहला गेम, हो सकता है सामने वाले कैसे हों। ये मैं मानता हूँ कि जब आप पहला गेम खेलते हो तो आपके ओपोनेंट बहुत कमज़ोर होते हैं, लेकिन क्या पता यार, चलो तुम खुद ही देख लो। सबसे पहले तो यार मेरे को ये गाड़ी की आवाज़ आ रही है कितनी देर से, लेकिन वो जैसे कि आप देख पा रहे हैं वो गाड़ी बार बार दिख रही है नहीं। तो मेरे को तो स्ट्रेस हो गया कि कहीं यार ये हैकर तो नहीं। बच्चा मैं और एक आदमी, वो हैकर भी हो सकता है, वो नॉर्मल भी हो सकता है। अब ये मोमेंट डिसाइड करेगा कि पहला मैच मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। तो फाइनली मैं गेम जीत गया यार, बहुत ही मुश्किल था। तुम जैसे देख पा रहे थे कि मेरे को लगा कि वो ग्रीन, एक तो गिली सूट के अंदर वो, और ऊपर से मेरे को दिख नहीं रहा। अब वो पता नहीं वो जोन के पीछे कैसे चला गया, उसकी क्या था, उसकी हेल्थ कम हो गई, क्या वजह रही, या कि वो हैकर था, उसका हैकिंग सिस्टम ख़राब हो गया, पता नहीं जो भी है, लेकिन तुम्हारा भाई जीत गया। देखो यार, इस गेम को मैंने पूरा खेला और मुझे कई चीज़ पता चली। इस गेम से कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स हैं, तो जो मैं पहले दोनों एक एक बताऊंगा। सबसे बड़ा प्रोज ये है, बड़ा रियलिटी सा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। 20 मिनट 30 मिनट कहाँ चले जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता, और आपको बार बार खेलने का मन करता है। कौन ये है कि 20 मिनट के अंदर मेरे को इतनी डांट पिटी, इतने काम सामने आए,
पता नहीं यार इस 20 मिनट के अंदर इतने काम कैसे आए सामने। आप सभी ने ये चीज़ फेस भी की होगी, तो इसलिए मेरी तो यार यही राय है कि इसको जब आप अकेले हो, घर में कोई भी नहीं हो, खासकर मम्मी पापा कोई भी नहीं हो, तब भी इसको गेम को खेलें ताकि आप अच्छे से इंजॉय कर पाएँ। वरना भाई साहब गेम तो आप खेलोगे लेकिन जो फिर आपके साथ गेम खेला जाएगा वो तो गजब का होने वाला है। तो चलिए यार, मैंने ट्राई कर लिया पबजी, तो आप जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट्स डाल दो और सजेशन बताओ यार कैसी क्या वीडियो चाहिए। देखो यार मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं सिर्फ न्यूज़ आर्टिकल्स पे वीडियो बनाऊँगा, मैं जो मेरे को पसंद आएगा मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, ये सब कुछ था। चलो यार स्टे होम स्टे सेफ, जो लोग ड्यूटी पे जा रहे हैं यार अपना ध्यान रखें, जो लोग घर पे बैठे हैं चलो घर से बाहर मत निकलो, तो ठीक है ना, कोई दुनिया ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि तुम बाहर नहीं निकले तो तुम्हारा घर ढह जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, शांति से बैठे रहो, तुम बाहर जाके भी कुछ उखाड़ने वाले नहीं हो, ठीक है ना। तो स्टे होम स्टे सेफ, राम राम।